हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा वर्मा, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 15th चैप्टर। द चैप्टर नेम इज लाइट एंड क्लास इज 7th। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर ऑफ द चैप्टर लाइट। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो स्फेरिकल मिरर हैं वो काम करते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो लाइए अब हम देखते हैं कि इसमें बच्चे अगर खाना खाते समय अपनी प्लेट में अपना चेहरा देखते हैं तो प्लेट एक प्लेन मिरर की तरह काम करती है। अगर उसकी सरफेस प्लेन है तो उसमें इमेज इरेक्ट दिखाई देगी, सेम साइज़ की दिखाई देगी। इस तरीके से ये एक गेम की तरह भी आप देख सकते हैं। अब अगर दूसरा कोई व्यक्ति स्पून में देखेगा अपने चेहरे को तो वो भी मिरर की तरह काम करती है, लेकिन उसमें जो इमेज है उसमें दूसरे तरह से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि स्पून की जो सरफेस है या कोई भी कर्व्ड सरफेस है उसमें इमेज आपका दूसरा तरह का दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो उसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है। इस तरीके से हमने ये देखा कि आगे और भी हम कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक आप स्टेनलेस स्टील का स्पून ले लीजिए, उसकी आप आउटर साइड से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपकी इन दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इसकी जो इमेज है वो अलग दिखेगी। अब आप क्या करिए कि अब आप अंदर की साइड से देखिए, इमेज जो है अब आप अंदर की साइड से देखिए तो आपकी इमेज इरेक्ट होगी और लार्जर इन साइज होगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इमेज क्या होगी, इसमें देखिए इस लड़के की शक्ल उल्टी दिख रही है, यानी इन्वर्टेड हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने पेन पेंसिल या किसी भी और ऑब्जेक्ट की भी इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा कि एक्टिविटी के थ्रू कितनी आसानी से साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी समझा जा सकता है। बस इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। चूँकि कर्व्ड है और शाइनिंग है तो वो एक मिरर की तरह काम करती है, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये वाली, ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये जो आपका लिखा है ये आपका पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड। पॉलिश्ड ये आपका पॉलिश्ड पार्ट है, और ये जो है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इमेज हम इधर से देखते हैं जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, पॉलिश्ड पार्ट पीछे का पार्ट होता है। तो अगर अंदर की तरफ इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कॉनकेव है, अगर उभार है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुई तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर क्यों है, तो आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, एक रबर की बॉल ले लीजिए, आप एक रबर की बॉल ले लीजिए और इसको कट करिए। तो लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, अंदर की जो सरफेस होगी वो कॉनकेव होगी और बाहर उभरी जो होगी वो कॉन्वेक्स होगी। अंदर की जो सरफेस होगी वो कॉनकेव होगी और बाहर की जो उभरी सरफेस होगी वो क्या होगी बच्चों, कॉन्वेक्स होगी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं। तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर यानी होता है बच्चों गोला, ये होता है आपका गोला। तो किसी स्फीयर का ये पार्ट होता है, दिस इज स्फीयर और दिस इज स्फेरिकल मिरर। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो आपका इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स लाइक ए कॉनकेव मिरर व्हाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट एज ए
कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम जान गए हैं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन। प्लेन मिरर पर जो बनता है उसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये कैसे होता है? तो चलिए आइए अब हम इसको जानने का प्रयास करें। कि पहले तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि यू विल कंडक्ट एक्टिविटी दिस इन सनलाइट, बी केयरफुल, कभी भी डायरेक्ट सन की ओर आप मत देखिएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए कि इससे आपकी आंखों को डैमेज भी हो सकता है। आप तब देखिए जब उसकी जो इमेज है वो स्क्रीन या वॉल पर पड़े। चलिए अब देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कैसे सारी चीज़ें होती हैं। टेक ए कॉनकेव मिरर, चलिए आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं। एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, इसको सन की तरफ देखिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये सन है, इसकी तरफ इन्होंने इसको कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर, लाइट यहाँ से पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये लाइट सन से आएगी, मेरी पेंसिल की मूवमेंट को देखिए, और ऐसे आएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आएगी। इसके बाद कहाँ पर, एक शीट रख लीजिए पेपर की मिरर के पास, तो एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट। तो इसके बाद जब ये बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा एक ब्राइट स्पॉट के रूप में, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से एक ब्राइट स्पॉट के रूप में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएंगी सारी रेज। तो इस प्रकार से मिरर को पकड़े रहिए और पेपर को भी अपने फ्रेंड से कह के पकड़ने को कहिए, कुछ मिनट तक पकड़े रहिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर पेपर जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके इकट्ठी हो गई हैं, और ये जो ब्राइट स्पॉट है वो है क्या बच्चों, ये है सन का इमेज। क्या है बच्चों? ये सन का इमेज है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर मिल गया है, एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। जो स्क्रीन पर हमको मिल जाए, यहाँ पर पेपर एक स्क्रीन का काम कर रहा है, तो जिस पर हमको स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर अगर इमेज प्राप्त हो जाए तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, लेकिन जो हमें स्क्रीन पर ना मिले उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है। अब चलिए अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हम जो है स्क्रीन पर कैंडल की इमेज को प्राप्त कर सकते हैं कॉनकेव मिरर से। चलिए एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक्टिविटी के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे क्या है। एक आप कॉनकेव मिरर लीजिए, स्टैंड पर उसको फिक्स कर दीजिए इन दिस वे, दिस आपने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर को आपने एक स्टैंड पर फिक्स कर दिया है, है ना। अब इस तरीके से टेबल पर या कैसे भी, अब ये मोमबत्ती आप जला के रख दीजिए टेबल पर। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट लगा दीजिए, ये एक स्क्रीन का काम करता है बच्चों, ये हमारा स्क्रीन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, है ना। तो अब देखिए क्या है कि ये एक्ट काम करेगा, ये हमारे स्क्रीन का लाइटेड कैंडल है टेबल पर, 15 सेंटीमीटर लगभग मिरर से दूर है। तो इसमें अब क्या होगा कि इस प्रकार से मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेंड। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम जो है स्क्रीन को हम आगे पीछे करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि शार्प इमेज इस पर हमको दिखाई दे। तो स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर, इज द इमेज रियल और वर्चुअल इफ इट इज सेम साइज ऑफ द फ्लेम। तो ये देखिए इस पर, यहाँ पर हमको कैसी प्राप्त हुई है, इन्वर्टेड है, तो यानी ये क्या है बच्चों, इन्वर्टेड जब होती है तो ये कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और जब सीधी होती है तो रियल। इन्वर्टेड होगी बच्चों तो रियल, और अगर सीधी होगी तो वर्चुअल। चलिए अब इसमें देखिए, वर्चुअल फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर, ये देखिए वर्चुअल है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे एक्टिविटी में क्या कैसे है।
नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। अब उसको आप कैंडल को आगे पीछे कीजिए, तो आप मिरर को आगे पीछे कीजिए, तो आप देखेंगे हर केस में इमेज स्क्रीन पर मिलती है। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। क्या ये हो सकता है कि जब हम कैंडल को बहुत पास रख दें मिरर के? तो चलिए देखते हैं। तो वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज मे बी रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल भी हो सकता है, और ये इस ऑब्जेक्ट से स्मॉलर और लार्जर भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पज़। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स, डॉक्टर यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, कान में देखने के लिए, आँखों में देखने के लिए, नोज़ में, थ्रोट में, कि क्या चला गया है। कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं दांतों की बड़ी इमेज को देखने के लिए। रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स, स्कूटर आर कॉनकेव इन शेप। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कॉनकेव मिरर, डेंटिस्ट एग्जामिने पेशेंट। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल, कि अब उसमें बेल में भी देख रहे हैं कि जो न्यू बाइसिकल में लगी उसमें भी आप देख सकते हैं। ये भी एक कर्व्ड मिरर का काम करता है, ये भी एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। ये देखिए टॉर्च का आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। पिछली एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं विद ए कॉन्वेक्स मिरर, देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या आपको रियल इमेज मिलता है? इस तरीके से आप सारी एक्टिविटीज़ को करिए और इसको टेबल में भरिए। तो अब ये देखिए बच्चों, ये फिगर, द मिरर यूज्ड एज ए साइड मिरर इन द ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों वगैरह में देखिए साइड मिरर लगा होता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, बड़े एरिया में उसको दिखाते हैं ताकि उचित दूरी बनी रहे। इससे दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, कि उनके पीछे किस कैसा ट्रैफिक है वो दिखाई पड़ता है।